तो दोस्तों फाइनली रेडमी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है रेडमी नोट 8 को। 4+64 GB बेस वेरिएंट आपको मिल जाता है 10,000 की एग्रेसिव प्राइसिंग में। साथ में स्नैपड्रैगन 665 का पावरफुल चिपसेट, 48 MP के क्वाड कैमरास, ग्लास बिल्ड क्वालिटी एंड और भी कमाल के स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जबकि 10,000 से कम बजट में इन्फिनिक्स S5 भी मार्केट में अवेलेबल है, पंच होल डिस्प्ले, 32 MP की सेल्फी एंड क्वाड कैमरास के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में फुल कंपेरिजन करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में एंड बात करेंगे फाइनली कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको Redmi Note 8 का हैंड्स ऑन रिव्यू भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग, रैम वेरिएंट एंड स्टोरेज ऑप्शन के बारे में। तो इन्फिनिक्स S5 का एक ही वेरिएंट को इंडिया में लॉन्च किया गया है 4+64 GB 8999 यानी 9000 की प्राइसिंग में। जबकि Redmi Note 8 के दो अलग अलग वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है 4+64 GB 9999 यानी 10,000 की एग्रेसिव प्राइसिंग में। 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज ऑप्शन भी आपको मिलता है 13,000 की एग्रेसिव प्राइसिंग में। दोस्तों अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में तो Infinix S5 में 6.5 inches की HD+ इन्फिनिटी ओ यानी पंच होल डिस्प्ले आपको मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5% के आसपास आपको मिल जाती है 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। लेकिन डिस्प्ले पर कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है अभी तक इन्फिनिक्स की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। एंड ओनली HD+ डिस्प्ले यहां पर आपको मिलती है इतनी बड़ी डिस्प्ले होने के बावजूद भी, तो डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी बेटर आपको नहीं मिलेगी। जबकि Redmi Note 8 में 6.39 inches की वाटर ड्रॉप नोच वाली फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 90% से ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर आपको बेटर मिलती है फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ, साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है एंड साथ में नोटिफिकेशन LED लाइट भी प्रोवाइड की गई है। अगर हम बात करें बैक डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन्स में बैक में ग्लोसी एंड ग्रेडिएंट डिज़ाइन तो देखने को मिल जाता है जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन Infinix S5 में डिसअपॉइंटेड वाली बात है कि पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक डिज़ाइन आपको मिलता है जिस पे कि स्क्रैचेज जल्दी आ जाते हैं जो कि देखने में इतना ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर नहीं लगता है। जबकि Redmi Note 8 में आपको प्रीमियम ग्लास बैक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, ग्रेडेड डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं एंड साथ में बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो यहाँ पर भी क्लियर विनर हो जाता है Redmi Note 8। अगर हम बात करें कैमरास के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन्स में क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। Infinix S5 में 16 MP का प्राइमरी सेंसर आपको मिलता है 1.8K अपर्चर के साथ, 5 MP का वाइड एंगल लेंस, जी हाँ दोस्तों ओनली 5 MP का वाइड एंगल लेंस आपको मिलता है जिससे इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको मिलता है। लेकिन सेल्फी कैमरा जबरदस्त यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 32 MP का, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें Redmi Note 8 के कैमरास के बारे में तो यहाँ पर 48 MP का Samsung का GM1 प्राइमरी सेंसर आपको मिल जाता है 1.8K अपर्चर के साथ, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको मिलता है, फील्ड ऑफ व्यू आपको 120 डिग्री तक मिल जाता है, 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है एंड यहाँ पर आप 4K में भी 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड कैमरा में गाइस नाइट मोड, पोर्ट्रेट शॉट वगैरह भर भर के आपको काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। जबकि यहाँ पर आपको 13 MP का एवरेज सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बैक कैमरा की क्वालिटी में नो डाउट यहाँ पर काफ़ी आगे निकल जाता है Redmi Note 8, जबकि सेल्फी के मामले में थोड़ा सा बेटर है Infinix S5। अगर हम बात करें बैटरीज के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन्स में 4000 mAh की बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों Infinix S5 में माइक्रो USB पोर्ट आपको मिलता है जो कि डिसअपॉइंटेड वाली बात है, ना ही आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। जबकि Redmi Note 8 में USB Type-C पोर्ट आपको मिलती है, साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जर अब की बार आपको बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है, तो जल्दी से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाओगे। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो परफॉर्मेंस में क्लियर विनर हो जाता है Redmi Note 8। Infinix S5 में MediaTek Helio P22 के चिपसेट को यूज किया गया है। तो दोस्तों MediaTek Helio P22 6,000-7,000 की प्राइसिंग तक तो सही है, लेकिन गाइस अब अगर बात आती है 9,000-10,000 की प्राइसिंग के बारे में तो कम से कम P7 या फिर Snapdragon 665 का चिपसेट ब्रांड्स को यूज करना चाहिए। लेकिन S5 में आपको इतनी अच्छी
परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। पबजी में आपको काफ़ी ज़्यादा लैग वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें नोट 8 के बारे में तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 665 का पावरफुल चिपसेट यूज़ किया गया है, 11 nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, एनटीटू बेंचमार्क को 1.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाता है एंड एड्रिनो का जीपीयू 610 यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो कमाल की परफॉर्मेंस आपको रेडमी नोट 8 में नो डाउट देखने को मिल जाएगी। दोनों ही स्मार्टफोन्स में डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें ओएस के बारे में तो दोनों ही स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स S5 में XOS 5.5 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, जबकि रेडमी नोट 8 में MIUI 10 का सपोर्ट आपको मिलता है एंड MIUI 11 भी नवंबर मिड में रेडमी नोट 8 में रोल आउट किया जाएगा एंड MIUI 11 में कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी रेडमी नोट 8 की तरफ चला जाता है। तो गाइज ये सारे फीचर्स आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि फाइनली आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेटर लगा। तो गाइज इन्फिनिक्स S5 में ओनली आपको थोड़ी सी बेटर सेल्फी मिल जाती है, ना ही आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, ना ही आपको परफॉर्मेंस, बाकी मतलब एक पंच होल डिस्प्ले आपको मिलती है, ओनली थोड़ी सेल्फी बेटर मिलती है। जबकि रेडमी नोट 8 एक ऑलराउंडर एंड कमाल का स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। बैक कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी, बैटरी लाइफ आपको अच्छी मिलती है, साथ में फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, जी कैम का सपोर्ट, सब कुछ आपको रेडमी नोट 8 में शाओमी ने प्रोवाइड कर दिया है। एंड 21 अक्टूबर को रेडमी नोट 8 की अमेजन पर आपको सेल देखने को मिलेगी, तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा। तो गाइस आज की वीडियो में के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।